सुधा के घर हंगामा, आलिया रूही का ड्रामा, करण रोहन के गले में पट्टा, रिश्तों पे पड़ा ट्विस्ट का फटका, पूरे रौब के साथ दूल्हों की तरह आज आलिया और रूही आए हैं श्रीवास्तव हाउस बारात लेकर। और इनकी इस अनोखी विदाई में आलिया और रूही रोहन और करण के गले में पट्टा बांध कर करवा रही हैं। और जरा देखिए हमारे दूल्हे राजाओं की शक्लें। हमें ये लेके जा रहे हैं और हमें हमारी माँ से दूर कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लड़कियाँ आई हैं फुल स्वैग में और पता नहीं क्या कुत्ते का पट्टा लेके, मतलब आपके सामने आपके बच्चों को पट्टा बनाया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। अरे जनाब, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, आपको पता नहीं आपने कहाँ पंगा ले लिया है। अब अपनी मम्मी जी सुधा को ही ले लीजिए, आई थी भल्ला हाउस में अपने बेटों के लिए गिफ्ट लेकर, लेकिन इशिता और मिसेज अय्यर का रिटर्न गिफ्ट इन पर भारी पड़ गया। मेरे बच्चे यहाँ आ गए भल्ला खानदान में, तो मैं उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आ रही हूँ अपने बच्चों के लिए। और वहाँ आने के बाद इशिता मुझे इंसल्ट करती है और बोलती है कि हमें ये बैग्स वैग्स नहीं चाहिए। अब खड़े खड़े देख क्या रही है, गुस्सा आ रहा है ना, ये लीजिए सारे तोहफों को सड़क पर ही सजा दिया। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं सुधा जी। वहाँ जाएंगे उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको बिस्तर नहीं दिया जाएगा, वो घर के कपड़े धोएंगे, वो गाड़ी धुलवाएंगे, पता नहीं क्या क्या इशिता कराएगी, पता नहीं इशिता क्या क्या करवाएगी तुम लोगों से। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खैर, भल्ला हाउस से मुंह की खाने के बाद अपने बेटों की अनोखी बारात देख सुधा को लगा जोर का झटका। मैं वादा करती हूँ बेटा कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें भल्ला खानदान से निकाल कर श्रीवास्तव खानदान में लेकर आऊंगी। अब कर भी क्या सकते हैं सुधा जी, कोशिश तो बहुत की आपने, लेकिन इशिता रमन के होते हुए आपका प्लान सक्सेस नहीं होने वाला। एक और ट्रम्प कार्ड मेरे हाथ में है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स मेरे हाथ में है। अब देखना कि मैं रमन भल्ला को कैसे नचाती हूँ। आपके पास अगर भल्ला कंपनी के शेयर्स हैं तो रमन और इशिता बब्बर शेर हैं, तो सुधा पूरी तरह से तैयार हैं एक नए ड्रामे के लिए। अब देखते हैं कैसे बचाती हैं ये अपने जिगर के टुकड़ों को भल्ला परिवार के कहर से। मुंबई से नुपुर माउची के साथ आज तक ब्यूरो।